सिंध हुकूमत ने महकमे तालीम के बाद महकमे सेहत में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया है। आपको यहाँ पर बताएं कि वजीर आला सिंध ने इजलास में कहा है कि मेरे प्रोटोकॉल के लिए सिग्नल बंद ना किए जाएं। ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत की गई है वजीर आला सिंध की जानिब से कि मेरे प्रोटोकॉल के लिए सिग्नल बंद ना किए जाएं। इसी पर बात करेंगे आजाद नेहड़ियों से। आजाद बताइएगा वजीर आला सिंध की जानिब से और क्या हिदायत की गई। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत में महकमा तालीम के बाद एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कुछ ही देर में वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जो है महकमा सेहत का अजलास होना है। इस अजलास में वजीर सेहत डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो और दीगर महकमा सेहत के अफसरान शरीक होंगे। वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह कुछ देर कबल सिंध सेक्रेटरेट पहुँचे तो यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस ने और जो इलाकाई पुलिस है उसने जो है सिग्नल यहाँ का 10 मिनट के लिए बंद कर दिया, जिस पर वजीर अला सिंध जैसे यहाँ पर पहुँचे तो बदतरीन ट्रैफिक देख कर यहाँ पर जो है पुलिस पर बर्फ हो गया। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को अहकाम जारी किए कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिग्नल उनके लिए बंद किए जाएं, जब वो गुजरे तो कम से कम सिग्नल जो यहाँ से खुला रहना चाहिए। वजीर अला सिंध इस वक्त सिंध सेक्रेटरी मौजूद हैं जहाँ चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुकाम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद में जो है महकमा सेहत का इजलास होना है, जिसमें महकमा सेहत की कारकर्दगी और ख़ासतौर पर जो 18वीं तरमीम के बाद जो महकमा सेहत है उनको 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से फैसला कर दिया गया था। इस हवाले से भी सिफारिश वो तैयार कर ली गई है कि महकमा सेहत को 200 में किस तरह तकसीम किया जाए। ये इजलास कुछ दौर में होना है, लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो सिंध सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं। जी आज़ाद नहड़ियो, शुक्रिया आपका।